ये कहानी है एक लड़की की, एक लड़की जिसकी शादी हो जाती है। अपना मायका छोड़ वो अपने ससुराल को आती है। नए घर, नए लोग, नए रिश्ते, वो सबको दिल से अपनाती है। पर एक सच ये है कि वो लड़की हर वक्त उस ससुराल में अपने मायके को तलाशती है। शादी प्यार की हो या घर वालों की मर्जी की, एक बात उस लड़की को बचपन से सिखाई जाती है, ससुराल में सबकी जिम्मेदारियाँ तुम पर ही हैं। ये बात उसे हर वक्त बताई जाती है। वो लड़की खुशी से सारी जिम्मेदारियां निभाने को मान भी जाती है, पर ससुराल में उसका भी तो कोई ख्याल रखेगा ना। ये एक छोटी सी ख्वाहिश वो अपने साथ ले आती है, और शायद इसीलिए वो लड़की हर वक्त अपने ससुराल में अपने मायके को तलाशती है। पहली बार जब वो लड़की रसोई घर में जाती है, डरी और सहमे हाथों से जब वो पहली बार चूल्हा जलाती है, चाय में कहीं चीनी ज़्यादा ना हो जाए, ये सोचते ही उसकी उंगलियाँ तक कपकपाती हैं। तब माँ जैसा कोई हाथ अगर थाम ले उसकी उंगलियाँ, इस ख्याल भर से ही उसकी आँख भर आती है। और शायद इसीलिए एक लड़की हर वक्त अपने ससुराल में अपने मायके को तलाशती है। नए रिश्ते, नए लोग और नए ससुराल में कभी कभार वो खुद को अजनबी सा भी पाती है, फिर भी चेहरे पर एक मुस्कान रख कर वो अपनी झिझक को छुपाती है, क्योंकि उसकी आँखें ढूंढती हैं कुछ वो नज़रें जो उसे अपनेपन का दिलासा और दोस्ती का एहसास दिला जाती हैं। हाँ, सच, एक लड़की हर वक्त अपने ससुराल में अपने मायके को तलाशती है। नए नवीली सी है वो, तो कई बार बातें समझने में कुछ देर भी लग जाती है। जल्दी जल्दी में कई बार उसके हाथ से कोई चीज़ टूट भी जाती है। डर और घबराहट से ही सही वो चीज़ों को समेटना तो जानती है, पर कोई आकर अगर समेट ले उसके डर को, तो उसकी वो उलझन एक हंसी में बदल जाती है। हाँ, सच, एक लड़की हर वक्त अपने ससुराल में अपने मायके को तलाशती है। खैर, सीखते सीखते वो लड़की आखिर सब सीख ही जाती है। सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना अब वो लड़की भली भांति जानती है। लेकिन अचानक एक दिन उस लड़की की पसंद का खाना जिस दिन उसकी सास बनाती है, उस दिन उस लड़की को अपनी सास में अपनी माँ नज़र आ जाती है। उस दिन के बाद वो लड़की कभी अपने मायके में अपने ससुराल को नहीं तलाशती है, बल्कि उसे उसके बाद अपने मायके की कभी याद भी नहीं आती है, क्योंकि सच्चे मायने में उस दिन वो लड़की अपने ससुराल में अपने मायके को पा जाती है।